हेलो फ्रेंड, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कद्दू की सब्जी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की। जिसको कद्दू खाना नहीं पसंद है वो भी आज से खाना स्टार्ट कर देगा। बहुत मज़े की बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप रोटी किसी भी चावल के साथ खा सकते हैं। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो का एक कद्दू ले लिया था, उसको अच्छे से 2 दिन पानी धुल लिया था, कट कर लिया था। आप छिलके निकाल सकते हैं। हमने छिलके नहीं निकाला था, गैस पे कढ़ाई रख देंगे। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाएगी तो हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड का तेल ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने सरसों का तेल ऐड किया। हमने लगभग 100 ग्राम तक सरसों का तेल ऐड किया है। आप ज़्यादा सरसों का तेल ऐड करेंगे जब हमारा तेल अच्छे से हीट हो जाएगा तो हम 1/2 टीस्पून सरसों ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, साथ में ही 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून मेथी ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा हम 30 मिनट पर लगभग सौंटे करेंगे। इसी के साथ हम 2 लाल मिर्च को कट करके डाल देंगे और हमने जो कद्दू कट कर लिया तो उसको भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे अपने कद्दू को, उलट पलट के अच्छे से हमने कद्दू को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना, अपने कद्दू को अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमारे कद्दू थोड़ा सा फ्राई हो चुके हैं। इसी के साथ हम वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हमें 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करना है क्योंकि हमारे कद्दू कलर ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। हमें 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर देना, अच्छे से अपने हल्दी को ऐड करके सब्जी के साथ में फ्राई कर लेना है ताकि हमारे हल्दी भी अच्छे से पक जाए। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को कट कर लिया तो उसको भी डाल देंगे। आप टमाटर स्किप भी कर सकते हो, आपको नहीं पसंद तो कद्दू में। हमने लगभग 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया। इसी के साथ हम 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे। ऐसे अच्छे सारे मसालों को चलाते हुए भून लेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, अच्छे से चलाते हुए अपने मसालों को पका लेना ताकि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे हम। आप देख सकते हैं हमारे कद्दू का कलर बहुत अच्छा है। अब हम ढक करके हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके हैं। एक बार खोल के हम देख लेंगे हमारी सब्जी पक गई है कि नहीं। हमने देख लिया, चला लेना है हमें कि हमारे कद्दू अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। अभी हम फिर 4 से 5 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हमारा हो चुका है, हमारी कद्दू की सब्जी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनते हैं। इस तरह से आप कद्दू की सब्जी ज़रूर ट्राई करें। जो नहीं खाते वो भी खाना आज से स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये सब्जी। आप इसे रोटी से, चावल से, किसी भी साथ खा सकते हैं। हमारे कद्दू भी अच्छे से एकदम गल गए। हमें फ्लेम को मीडियम रख के अपने कद्दू